अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड की स्कॉलरशिप से हैं जो वो बलोचिस्तान स्टूडेंट्स के लिए, बलोचिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड के जो स्कॉलरशिप्स हैं उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। आज की वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का प्रोसीजर क्या है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो मुकम्मल आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, पीफ स्कॉलरशिप पॉलिसी है 2023-24 की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इसका ये एडवर्टाइजमेंट है बलोचिस्तान स्टूडेंट्स के लिए, तो वो हम यहाँ पर इसको मुकम्मल रीड कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को। और यहाँ पर हम इसको रीड करते हैं जी कि क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अलामिया बराए सालाना स्कॉलरशिप पॉलिसी 2023-24, गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड पीफ ने सूबा बलोचिस्तान के ज़हीन व मुस्तहक तलबा व तलबात के लिए स्कॉलरशिप बराए 2023-24 के लिए 460 स्कॉलरशिप्स की तादाद मुकर्रर की है, जिसके लिए सुबह पंजाब के लोकल डोमिसाइल रखने वाले ज़हीन व मुस्तहक तलबा व तलबा से दरख्वास्तें मतलूब हैं और दर्ज ज़ैल शराइत पर पूरा उतरते हैं, दरख्वास्तें देने के अहल हैं। इंटरमीडिएट में अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी टेक्निकल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तलीम हासिल कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ग्रेजुएशन प्रोग्राम में ऐसे तलबा व तलबात जिन्होंने मैट्रिक या इंटरमीडिएट या टेक्निकल एजुकेशन का सालाना इम्तिहान 2023 बलोचिस्तान B22 के तहत, इन्हें बलोचिस्तान बोर्ड के तहत सरकारी तलीमी दारों से कम अज़ कम 60% नंबरों से पास किए हैं और किसी भी कुल वक्त रजिस्टर्ड तलीमी दार में दाखिल हों, ये तो है उनके लिए जो कि मास्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MS MPhil प्रोग्राम, ये हमारे पास पहले था जी, और ग्रेजुएशन प्रोग्राम यानी जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस वक्त ग्रेजुएशन में हैं और उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट या टेक्निकल एजुकेशन का सालाना इम्तिहान 2023 बलोचिस्तान बोर्ड के तहत सरकारी तलीमी इदारों से कम 60% नंबरों से पास किया, यानी सरकारी इदारों से पास किया, वो प्राइवेट की बात नहीं है, सरकारी वाले अप्लाई कर सकते हैं। MS MPhil प्रोग्राम ऐसे तलबा व तलबा जिन्होंने BS या मसावी सालाना इम्तिहान 2021-22 या 2023 में कम अज़ कम 2.5 CGPA या 60% नंबर हासिल किए हों और दर्ज बाला इम्तिहान बलोचिस्तान के तलीमी इदारे से पास किया हो और MS MPhil में बलोचिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में सेशन 2023-24 में दाखिल हों, तो दरख्वास्त जमा कराने के अहल हैं। यानी यूनिवर्सिटी या फिर सरकारी हो या प्राइवेट, यहाँ पर ये बात नहीं की गई कि सिर्फ सरकारी हो, प्राइवेट में जो लोग जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ज़रूरी हिदायत, पीफ स्कॉलरशिप फार्म के साथ दर्ज ज़ैल कागजात वसनाद अपने मौजूदा तलीमी इदारे के सरबराह से तस्दीक शुदा मुंसलिक हों, मैट्रिक इंटरमीडिएट DAE या BS या इनके मसावी रिजल्ट कार्ड की कापियाँ, दो अदर पासपोर्ट साइज तस्वीर, तलबा के शनाख्ती कार्ड या बेफार्म की कापी, वालदेन के शनाख्ती कार्ड की कापी, लोकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वालदेन सरपरस्त की कुल महाना आमदन 60,000 रुपये से जायद ना हो, आमदन सर्टिफिकेट 100 रुपये के मालिक के स्टाम्प पेपर जिसे नोटरी पब्लिक और तलबा के मौजूदा तलीमी दर से तस्दीक करवा के स्कॉलरशिप फार्म के साथ मुंसलिक करना लाजमी है। ऐसे तलबा जो मंदरजा ज़ैल कैटेगरी से तलक रहती हैं स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने के अहल हैं, यानी इसमें ओपन मेरिट की भी हैं और कुछ इस स्कॉलरशिप में कोटा रखा गया जी। किन किन स्टूडेंट्स के लिए कोटा है वो हम देख सकते हैं जी, यतीम तलबा के लिए जिन तलबात जिनके वालद वफात पा चुके हैं, कंप्यूटराइज डेथ सर्टिफिकेट मुंसलिक करें, ग्रेड 1-4 के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे, वालदेन की कुल आमदनी का जरिया सिर्फ तनख्वाह है, वो कुल महाना आमदनी 60,000 रुपये की शराय से मुशना है, यानी अगर उनके वालदेन की आमदनी 60,000 भी है ना तो वो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, और वालद के पे स्लिप की कापी मुंसलिक करें। अकलीती नंबर 3 पे है, अकलीती मजहब से तलक रखने वाले तलबा व तलबात अपने मुतलका मजहबी रहनुमा से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट मुंसलिक करें। नंबर 4 पे है जी स्पेशल मजदूर तलबा व तलबात मजदूरी का सर्टिफिकेट मुंसलिक करें।
स्कॉलरशिप फार्म, ये गौर से सुन लें जी, अप्लाई कैसे करना और फार्म कैसे डाउनलोड करने। स्कॉलरशिप फार्म बीफ की वेबसाइट www.beef.org.pk पर दस्तयाब हैं, जिसे बआसानी डाउनलोड किया जा सकता है। नोट, ऐसे तलबा व तलबा जो पहले से कोई और स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हों वो पीएफ स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं है। पीएफ स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होने के बाद तालिबे इल्म किसी भी वजह से अपनी स्कॉलरशिप मुनसल कराने के लिए दरख्वास्त देने का अहल नहीं है। नामुकम्मल स्कॉलरशिप फार्म ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा, यानी आपने हर तरह से अपना फार्म जो है वो फिलअप करना है, उसे सही तरह से फिलअप करना है। हर लिहाज से मुकम्मल स्कॉलरशिप फार्म बमा तमाम तस्दीक शुदा क्वाइफ के मुकर्रर तारीख 30 नवंबर 2023 तक दफ्तरी अवकात में बीफ के दफ्तर बामकाम मकान नंबर 116/40 नज़्द जामिया मस्जिद जना टाउन समंगली रोड क्वेटा दफ्तर में वसूल की जाएंगी। यानी ये इनका एड्रेस है, आपने यहाँ पर अपने जो है वो अपने जो फार्म है वो भेजने हैं। सीनियर प्रोग्राम मैनेजर स्कॉलरशिप डेवलपमेंट एंड फोकल पर्सन पीएफ बलोचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड पीएफ, ये इनका फ़ोन नंबर भी है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट ये मैंने रीड करके बता दिया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बता दिया है जी, एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट टेक्निकल एजुकेशन और ग्रेजुएशन प्रोग्राम, यानी अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी इंटर वाले स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स, बीएस वाले स्टूडेंट्स और एमएस एमफिल वाले स्टूडेंट्स भी इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप इंटर में पा रहे हैं तो आप तब भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए बीएससी कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएस कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एमए एमएससी कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एमफिल कर रहे हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप जिस डिग्री में भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को फार्म यहां पर डाउनलोड करके दिखा देता हूं कि कौन सा फार्म आपने फिलअप करके आपने वो जो एड्रेस मैंने आप लोगों को बताया है वहां पर आपने इनके जो दफ्तर है वहां भेजना है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है बीफ की, बलोचिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इसके फार्म भी दिए गए हैं। ये देखें जी, फार्म आप लोग देख सकते हैं, फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, फॉर मास्टर एमएस और स्पेसिमिन फॉर इनकम एफिडेट, ये तीन ये आपने डाउनलोड करके और ये स्पेसिमन ऑफ इनकम एफिडेट ये तो लाजमी आपने लगाना है। यहाँ पर ये इंटरमीडिएट के लिए है फार्म है जी, इसको डाउनलोड करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये फार्म हमारे पास डाउनलोड हो चुका है जी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को गौर से देखेगा कि अप्लाई कैसे करना है, वो सारा तरीका आप लोगों को बताया। ये फार्म है जी स्कॉलरशिप, इसको आपने अच्छी तरह से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने ये फार्म और इसके साथ वो इनकम एफिडेट लगा कर आप लोगों ने उस जो इसका जो एड्रेस बताया गया उस पर आप लोगों ने वो ये फार्म भेज देना है। तो ये सारी वो कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी, इसको आप कंप्लीट रीड कीजिएगा और अच्छी तरह से तसल्ली के साथ फार्म को फिलअप करके पीफ के जो बीफ का जो एड्रेस उन्होंने बताया गया है क्वेटा का, वहाँ पर आप लोगों ने भेज देना है। ये सिर्फ बलोचिस्तान स्टूडेंट्स के लिए है, पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंतज़ार करें, उनका भी जल्द ही ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो वो तकरीबन नवंबर दिसंबर में वो तकरीबन इनका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। बलोचिस्तान का शुरू हो चुका है जी, पंजाब वालों का दिसंबर में ये जो है स्कॉलरशिप ये शुरू हो जाएंगी। तो ये मैंने आप लोगों को इंटरमीडिएट के लिए दिखा दिया। ये फार्म है जी मास्टर और एमएस जो के एमफिल कर रहे हैं ये उनके लिए है जी। ये फार्म उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमएस और एमफिल कर रहे हैं जी। ये फार्म है जी, आपने डाउनलोड करके इसको ये इधर लिखा हुआ है बाकायदा मास्टर लेवल 2023 स्कॉलरशिप, इसको आप रीड कर लीजिए। इधर आपने अपनी फ़ोटो भी लगानी है। तो ये फार्म है जी, इसको भी आप फिलअप करके जो बलोचिस्तान में इनका जो दफ्तर है बीफ का वहाँ पर आप लोगों ने भेज देना है जी। तो यहाँ पर ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और एंड पे स्पेसिमेन फॉर इनकम एफिडेट, ये इनकम एफिडेट है, ये भी आप लोगों ने लाजमी फिलअप करके साथ लगाना है। ये वाला जो है जी, इसमें वो ये आप लोगों का एफिडेटिव है जी, यानी मैंने वो सारी आप लोगों को चीज़ें सही बताई हुई हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों ने फिलअप करके ये भी उनके साथ भेज देना है। तो ये जो है आप लोगों ने ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये आपने फार्म जो है आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये फार्म आप लोगों ने किसी दस्तखत ये आप लोगों को मैं एक मिनट रीड करके दिखा देता हूँ जी। मुमकिना स्कॉलर का नाम वल्दियत ये सब कुछ ये लिखकर कर मुसम वालदेन
ये आप लोगों को बताता चलूँ, ये जो फार्म है ना आप लोगों ने, ये जो अदालतों के बाहर बैठे हुए रहते हैं ना स्टाम्प रोज, वहाँ पर ले जाना और उनसे कहना है कि मुझे ये एक स्टाम्प लिख कर दे दें, वो आपको उसका एक स्टाम्प लिख कर देंगे। आप लोगों ने ये फार्म नहीं लगाना ये जो है, बल्कि उसके साथ आप लोगों ने वो जो फार्म होगा जो वो लिख कर देंगे। पंजाब के स्टूडेंट्स तो ऐसा करते हैं जी, अब ये बीफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो जो ये जो फार्म है ना, ये जो इनकम का है जो ये, वो ये फार्म जो अदालतों के बाहर बैठे होते हैं स्टाम्प रोज, उनसे लिखवाते हैं। ये फार्म नहीं भेजते, ये जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है ये नहीं भेजते, वो फार्म जो स्टाम्प रोशों से लिखवा कर वो भेजते होते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ इस तरह की आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।